सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कुछ लोग अगरबत्ती में भी धुएं को देते हैं, खुशबू को नहीं। किसी और का नजरिया तुम्हारा अस्तित्व नहीं निर्धारित करेगा। कामयाबी कोई मंजिल नहीं, कामयाबी एक सफर है। रिश्ते वक्त मांगते हैं और वक्त की बड़ी कमी है। वक्त जैसा बनो, जो कदर ना करे उससे दोबारा मत मिलो। हम इतने भी खुश नहीं रहते जितने दिखाई देते हैं। आज का पंचांग 2 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 5:39 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 5:45 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:54 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। तुला राशि 2 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार, अचानक आया बदलाव आपके लिए चिंता का कारण बनेगा। आप अभी बातचीत नहीं करना चाहते बल्कि अकेला रहना चाहते हैं। ध्यान करने के लिए समय निकालें और अपने सपनों को लिखें। बुजुर्गों से मिलें और उनके नजरिए से जीवन को देखें। हानिकारक आदतों से हर हाल में बचें। आशा पाएंगे कि एक उत्तम जीवन प्रेम से प्रेरणा और ज्ञान से सही राह प्राप्त करता है। सार्थक चीजों पर समय बिताएं, अपने जुनून को सीमित ना रखें बल्कि अन्य मन पसंद गतिविधियों के लिए भी समय निकालें, जैसे नृत्य, संगीत या खेल आदि। अगर आपने कोई सपना देखा है तो आप इसे जरूर पूरा कर सकते हैं। आज आप अपने घर के साथ सज्जा कपड़ों और सौंदर्य प्रसाधनों पर काफी खर्च कर सकते हैं। हालांकि आप अपने खर्च को फिजूल खर्चे की सीमा तक पहुंचने से पहले नियंत्रित कर पाएंगे। अपने किसी खास को कोई कीमती उपहार दे सकते हैं जो उसे बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त करने से आपकी बात अधिक सार्थक लगेगी। ख्याली पुलाव पकाना मदद नहीं करता। परिवार की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए आपको कुछ कर दिखाने की जरूरत है। दीर्घावधि मुनाफे के जरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। दिन को रोमांचक बनाने के लिए करीबी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। आपके प्यार के रिश्ते में एक जादुई एहसास छा रहा है, इसकी खूबसूरती महसूस करें। ऐसा काम हाथ में ले जो रचनात्मक प्रकृति के हैं। वक्त से हर काम को पूरा करना ठीक होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाते हैं। अगर आप हर काम को कल पर टालते हैं तो अपने लिए आप कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। यह आपके पूरे वैवाहिक जीवन के सबसे ज्यादा स्नेहपूर्ण दिनों में से एक हो सकता है। किसी विशेष व्यक्ति से प्रभावित होकर आप भी अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तथा कुछ नए कार्यों को भी करने में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपने जीवन शैली में जिस प्रकार से बदलाव करना चाहते हैं वह जल्दी ही होगा। पैसों से संबंधित चिंता दूर होती हुई नजर आ रही है, इस कारण काफी हद तक राहत मिलेगी। व्यक्तिगत जीवन में भागदौड़ कम होगी। अन्य बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें। जो अभी तक जिम्मेदारियां आप निभा नहीं पा रही हैं, उन्हें पूरा कर पाना संभव होगा। काम से संबंधित लिए गए निर्णय की वजह से तनाव दूर हो सकता है। रिलेशनशिप के लिए प्रसन्नता रहेगी। वजन अचानक से बढ़ने की संभावना है, ध्यान रखें। आप आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। लक्ष्य प्राप्ति में किसी निकट संबंधी का सहयोग प्राप्त होगा। आप किसी धार्मिक या सामाजिक योजना के लिए भी जिम्मेदार हो सकती हैं। निजी कामों में ज्यादा व्यस्त रहने से आप अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आर्थिक स्थिति में थोड़ी भागदौड़ संभव है। तनाव लेने के बजाय धैर्य से समय बिताएं। सावधानियां, किसी संबंधी के भी हस्तक्षेप से आपके कार्यों में व्यवधान आएगा।
कभी कभी आपका गुस्सा और जिद जैसा स्वभाव आपकी पारिवारिक व्यवस्था पर असर डाल सकता है। सकारात्मक बने रहने के लिए ज्ञानवर्धक तथा उत्तम साहित्य पढ़ने में भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें। बात करते हैं लव लाइफ की। प्यार में मिले धोखे से आप भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत के बारे में सोचें, आपके सपने अवश्य पूरे होंगे। आज धन को लेकर सतर्क रहें और सोच समझकर खर्च करें। आप इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि जीवन प्यार से भरा और ज्ञान द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अपने साथी के प्रेम की खुशबू में आज आप मदहोश रहेंगे। आप भी अपनी चाहत के बारे में उसे जरूर बताएं। दो प्यार के बोल या प्रेम को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ये समय हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए है। आज का दिन प्रेम और अपने साथी के साथ मजा करने के लिए अति उत्तम है। हालांकि आपकी चिंताओं का अंत नहीं होगा, परंतु ये खुशनुमा पल आपको थोड़ी देर के लिए आपको परेशानियों से दूर ले जाएंगे, क्योंकि आप इस समय को खुशी से बिताएंगे। जो लोग अकेले हैं, उन्हें सामाजिक समारोह में संभावित दीर्घकालीन भागीदारी की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं करियर की। आप अपने करियर की एक बड़ी सफलता के कगार पर खड़े हैं। यह आपके निर्णायक निर्णय पर निर्भर करेगा कि आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। इसके लाभ और हानि पर आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। आपका निर्णय आपके जीवन को प्रभावित करेगा, और अगर आप सही विकल्प का चुनाव करते हैं तो आपके आय में अगले कुछ दिनों में काफी वृद्धि होने की संभावना है। आजीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ होने वाला है। विदेशों के साथ व्यापार या काम करना लाभदायक होगा। इस व्यस्त काल में अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल मेडिकल जांच अवश्य करवाएं। दीर्घकालीन निवेश से भी बचें। आप पहले से जानते हैं कि जीवन की गुणवत्ता दूसरों के प्यार और आपके ज्ञान पर निर्भर करती है। आज आप उन परियोजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो लंबे समय से पूरे नहीं हो पा रही है। एक ही काम में अपना समय व्यर्थ न करें और अपने काम को एंजॉय करें। अपने शौक के लिए भी समय निकालें। कार्य क्षेत्र पर अपनी उपस्थिति पर फोकस रखना जरूरी है। इससे व्यवसाय में आपकी मेहनत के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। नौकरी पेशे लोगों को काम की अधिकता बनी रहेगी, ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। अन्य गतिविधियों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना जरूरी है। आपका अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या तथा कार्य प्रणाली बनाकर रखना आपको स्वस्थ रखेगा। आप सामान्य सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप पिछले कुछ समय से लापरवाही बरत रहे हैं। आज आपको जबरदस्ती खुद को बिस्तर से बाहर खींचकर व्यायाम में लगाना होगा। आपके लिए भविष्य में काफी कुछ है और आप उसका फायदा केवल तभी उठा पाएंगे जब आप स्वस्थ होंगे। आज अपना फिटनेस कार्यक्रम घर से शुरू कर सकती हैं। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी को लाल फूल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।